नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब के जिला लुधियाना में शिवपुरी के पास पुराने नोट बदलने के बहाने तीन बदमाशों ने एक साइकिल पार्ट्स निर्माता से 2 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने पीड़ित से 2 लाख नकद लिए और उसे सादे कागज का टेप लगा बंडल थमाकर फरार हो गया। कारोबारी मोहित ने कहा कि पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया है। मोहित ने बताया कि 27 सितंबर को एक युवक उसे प्रताप चौक बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर मिला। उस युवक ने कहा कि मेरे पास कटे फटे नोट हैं, आप मेरे पैसे चलवा दें। उसने कहा कि उसके पास 2,20,000 रुपए हैं, जिन्हें वह उसे 2 लाख के बदले में देगा। मोहित ने उस व्यक्ति से कहा कि इतनी पेमेंट उसके पास अभी नहीं है, तो युवक ने मोहित का नंबर ले लिया। मोहित के मुताबिक युवक उसे लगातार 3 से 4 दिन फोन करता रहा। इस बीच उसके पास कैश एकत्रित हो गया, तो गुरुवार को वह उसे पैसे देने के लिए मिला। मोहित के मुताबिक गुरुवार को युवक के साथ 2 से 3 लोग और भी थे। युवक ने उससे कहा कि उसके साथ जो लोग आए हैं उन्हीं के उसने पैसे देने हैं। इसके बाद मोहित ने उसे पैसों का पैकेट दे दिया। मोहित के मुताबिक उसने पैकेट को देखा तो उसमें 2,000 के 2 से 3 नोट थे। मोहित ने कहा कि वह अपनी गाड़ी में बैठा कर पैसे गिन ले, बाहर कोई पैसे छीन सकता है। मोहित के मुताबिक जैसे ही वह गाड़ी में बैठकर पैकेट खोलने लगा तो 3 युवक फरार हो गए। पैकेट इतनी मजबूती से टेप किया था कि कम से कम 2 से 5 मिनट पैकेट खोलने में लग गए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।